भारी आर्थिक नुकसान होने से धरमजयगढ़ क्षेत्र के हैरान परेशान किसानों ने सरकार से मुआवजा देने की लगाई गुहार। रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ क्षेत्र में बेमौसम बारिश के बीच ओलावृष्टि होने से इलाके के गरीब किसान बंधु भारी मुसीबत में पड़ गए, क्योंकि इस बर्फबारी में उनकी खून पसीने की कमाई बर्बाद हो गई है। काफी मेहनत मशक्कत से उनके द्वारा लगाए गए फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर फसल लगाई थी जो कि पूरी तरह से खराब हो गई। ऐसे हालात में कर्ज चुकाने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं है। बता दें कि जानकारी मुताबिक धरमजयगढ़ विकास खंड के बायसी कॉलोनी दुर्गापुर कॉलोनी क्षेत्र में बीते दिन ओलावृष्टि से किसानों के तरबूज मक्का समेत खीरा की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। किसानों की माने तो क्षेत्र में लगभग 500 एकड़ के फसल को ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है। किसानों ने समय न्यूज के माध्यम से शासन को मदद करने की गुहार लगाई है। जी बताएं, आप तरबूज का खेती किए थे, नुकसान कैसे हुआ और कितना नुकसान हुआ? खेती लगभग 7 एकड़ में किया था मैं, लगभग 2 लाख रुपए खर्चा था इसमें। ये 20-25 दिन में तैयार हो जाता फसल, ये अब पूरा नुकसान हो चुका है। ये अब 20-25 दिन बाद मेरा 5 लाख रुपए हो जाता लगभग, और अभी ये पूरा नुकसान है। लागा कर्जा लेके किया था इसको, अभी सरकार कुछ करेगा इसके लिए तभी हम खड़ा हो पाएंगे दोबारा, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं है। मतलब सरकार से उम्मीद की, सरकार से मुआवजा की उम्मीद करते हैं हम कि हमको अच्छा मुआवजा दे इसका। पूरा आसपास के सभी किसानों का, लगभग सैकड़ों किसानों का पूरा नुकसान हो गया है ओलावृष्टि से, बहुत बड़ा बड़ा पत्थर गिरा। जी बताएं, आपका फसल नुकसान कैसे हुआ बताएंगे? बीती रात पानी गिरने के कारण ओलावृष्टि, उसके बाद बड़ा बड़ा ओला गिरा। गिरने के बाद सुबह आके मैं देखा पूरा खेत में पूरा इतना बर्बादी हुआ कि मत पूछिए। खीरा में 5 एकड़ खीरा लगाया था, खीरा में तो पत्ता दिख नहीं रहा है, खाली डगाली डगाली दिख रहा है। और तरबूज में तो पूरा जितना नार था पूरा टूट के पूरा बिखर गया है। उसके बाद में जो मैं उसमें क्या बोलते हैं मक्का कमाया था, मक्का में मान के चलिए मैं पूरा जितना मक्का लगाया उसमें पूरा पत्ता, एक तो पत्ता में कसम डस्ट सेदा हो चुका है एक तो पत्ता में। लगभग कितने एकड़, लगभग कितने एकड़ में आपने खेती बाड़ी किया? 20 एकड़ में खेती किया हूँ। जैसे उसमें 5 एकड़ में खीरा था, 4.5 एकड़ में मेरा तरबूज था, 5 एकड़ में मेरा मक्का है, उसके बाद में मेरा मखना है, उसके बाद उधर लगाया हूँ मैं धान भी लगाया हूँ थोड़ा सा। इतने फसल करने में तो कितना लागत लगा होगा और कितना कमा लेते? मैं इसमें लागत लगाया हूँ कम से कम 5 से 5.5 लाख रुपया खर्चा कर चुका हूँ, जो कि मैं दूसरे से उधार लेके किया हूँ, इधर उधर से हर जगह से ला के मैं खेती किया हूँ। कि उसको भरपाई अभी कैसे होगा, सरकार मेरे उससे भरपाई करे कम से कम, जैसे भी हो। धरमजयगढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।